यह सब सिंगुलर है, परंतु वे लोग दे राम एंड रहीम पुलर। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन कैसा वर्ब चलता है। तो जैसा कि हम पहले ही आपको बता के आए हैं कि प्लुरल सब्जेक्ट टेक्स प्लुरल वर्ब, हम लोग एक से ज्यादा, तुम लोग एक से ज्यादा, वे लोग एक से ज्यादा, तो यह सब प्लुरल सब्जेक्ट है और इन प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी प्लुरल चलेगा। वी प्ले, तुम लोग बाजार जाते हो, गो टू मार्केट। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, राम और रहीम क्रिकेट खेलते हैं, तो प्ले क्रिकेट। अब जैसा कि हम आपको बता के आए हैं कि आई सिंगुलर, मैं अकेला सिंगुलर, और तुम वे सिंगुलर, लेकिन आई और यू सिंगुलर होते हुए भी प्लुरल वर्ब लगता है। मतलब आपको इसके साथ प्लुरल मतलब हर का पहला रूप लगाना है, हर अपने मूल रूप में प्लुरल होता है और यही मूल रूप आपको यहाँ लगाना है। आई गो टू मार्केट, मार्केट। तुम गीत गाते हो, तो यू सिंग अ सॉन्ग। जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मतलब यह सिंगुलर है, थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं और जो एक व्यक्ति या वस्तु को दिखाता है वो सिंगुलर हो गया। इसके साथ हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म चलेगा और गो टू मार्केट। तो बच्चों अब एक चीज आपके जहन में दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब लगाएंगे। तो वी यू दे एंड कोई भी नाम अगर एंड से जोड़ दिए जाए मतलब प्लुरल हो जाएंगे। तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब हमेशा प्लुरल चलेगा, मतलब V1 चलेगा। देखिए V1 यहाँ V1 चलेगा, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 चलेगा, वर्ब का पांचवा फॉर्म मतलब सिंगुलर वर्ब चलेंगे। और आई और यू इन नियम से परे है, उसको इन नियम में नहीं लाना है कि प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चलेंगे, या नियम से परे है। आई और यू सिंगुलर होते हुए भी प्लुरल वर्ब रखेगा। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे विचार करेंगे और देखते हैं वह क्या है। तो जैसा कि हम आपको बताए हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट टेंस का पहला टाइम है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में वैसी क्रियाएं आती है जो वर्तमान समय में तो होता है परंतु इसके समय निर्धारित नहीं होते। प्रेजेंट टेंस जैसा कि आप नाम से विदित है, नाम से जाना जाता है, सिंपली कोई काम वर्तमान समय में होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और मैं पढ़ता हूँ, तुम बाजार जाते हो, बाजार जाते हो, इस पे हम लोगों ने बात किया है। अब इसके निगेटिव स्ट्रक्चर पे विचार करेंगे और देखते हैं निगेटिव में इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट के बाद डू और डन लगाएंगे, फिर V1 ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स से बनाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बता के आए हैं कि वर्ब में जब एस और एस लग जाता है, व्हेन वी ऐड एस और एस एट द लास्ट ऑफ एनी वर्ब इट बिकम सिंगुलर एंड इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लुरल के साथ डू। जैसे वह अपना काम नहीं करता है तो ही डज नॉट डू हिज वर्क। वे लोग बाजार नहीं जाते हैं, प्लुरल ही सिंगुलर, ही सिंगुलर है, देयरफॉर इट टेक्स डज एंड दे इज प्लुरल एंड इट इज वे लोग प्लुरल है, इसीलिए दे डू नॉट गो टू मार्केट। तो बच्चों अब स्पष्ट हो गया होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर हर रूप में चलेंगे, हर जगह चलेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब प्लुरल चलेंगे, वह चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH हो, सारे जगह एक जैसा ही इसका यूज होता है जैसा आप देखोगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर विचार करते हैं और वह क्या होता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डू या डज लिखते हैं जिससे सेंटेंस स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम लोग कैपिटल लेटर में स्टार्ट करेंगे। फिर सब्जेक्ट अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो यू हैव टू राइट डाउन नॉट अदर, देन यू हैव टू अप्लाई वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स एंड पुट क्वेश्चन मार्क्स बिकॉज सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू राइट डाउन सम सेंटेंसेस एज यू कैन सी हियर। डज राधा रीड, एज यू हैव सीन राधा इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। राधा यहां आप देख रहे हो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां डज लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज चलेगा। जबकि अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो, डू दे गो टू मार्केट, मार्केट अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज, सब्जेक्ट प्लुरल हो तो डू, और इस तरह से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं WH इंट्रो, WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड। आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू अप्लाई डू और डज। After the subject, if the sentence is negative, so you can write down not after then V1, object plus others. And you have to put down the interrogative marks. जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तो तुम क्या करते हो, इसमें क्या interrogative word है, तो सबसे पहले what? तुम क्या करते हो। अभी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन ताकि लगा है, इसलिए सेंटेंस सिंपल प्रेजेंटेंस में है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए यह इंट्रोगेटिव है। और इसको हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें व्हाट, तुम के साथ हमेशा आपको प्लुरल वर्ब लगाना है, तो व्हाट तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। वह कहाँ रहती है, तो वेयर डज सी लिव। और इस तरह से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखे हैं, और इस तरह से हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस पे कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन, राइट टेन सेंटेंसेस बाय यूजिंग them into negative, interrogative, interrogative, negative, negative and WH question sentence, question sentence, sentences and question number two, write your daily routine